बिना विचारे करने का फल। एक गांव में एक महिला थी, उसने एक नेवला पाल रखा था। वो नेवले को दूध देती और भी बहुत कुछ खाने को देती और उसे बहुत अच्छी तरह से अपने पास रखा करती थी। उस महिला का एक छोटा सा बच्चा था। एक बार की बात है कि वो महिला घर के दरवाजे के पास बैठकर कुछ काम कर रही थी। उसने अपने बच्चे को खटिया से उतारकर नीचे लिटा दिया था। इतने में वहां पर एक सांप आया। महिला ने तो उस सांप को नहीं देखा, लेकिन वो सांप धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ रहा था। नेवले ने अचानक उस सांप को देखा कि वो बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसकी मालकिन, जो उसको इतनी अच्छी तरह से खिलाती पिलाती है, उसके बच्चे को सांप काटने जा रहा है। वो क्रोध में आकर उस सांप पर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मारने के बाद नेवला बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि उसकी मालकिन उसको बहुत प्यार करेगी, उसको और बहुत अच्छा अच्छा खाने को देगी। वो सांप के खून से सने हुए मुंह के साथ ही जल्दी जल्दी अपनी मालकिन के पास दौड़ा हुआ गया और उसके पैरों में लोटने लगा। नेवले का मुंह खून से सना हुआ देखकर उस महिला ने समझा कि जरूर इस दुष्ट नेवले ने उसके बच्चे के साथ कुछ किया है। बस उसने झट से अपना मूसल उठाया और नेवले के दो टुकड़े कर डाले और उसके बाद दौड़ी दौड़ी वो बच्चे के पास आई कि क्या हुआ है उसके बच्चे को ये देखने के लिए। तो वो देखती क्या है कि बच्चा तो आराम से सो रहा है और उसके पास एक काला सांप मरा पड़ा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए।